मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉम्पिटिटिव क्लास पर। दोस्तों, जैसा कि हमने रेसो के अंदर क्वींस वाले क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, अब तक मैं 2 वीडियोस उन पर बना चुका हूं, आप उन वीडियोस को देखें। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी कि टाइप नंबर 3। क्वींस में 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरह के हम पढ़ चुके हैं, ये टाइप नंबर 3 है एक तरीके से। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जानते हैं इन तरीके के सवालों को, इस तरीके के इस जैसे सवालों को करने का क्या तरीका होता है। दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बैग के अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के धन का अनुपात 5:2:3 है। यदि बैग के अंदर कुल धन 1890 रुपये है तो मुझे बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं, जब भी इस तरीके का सवाल एग्जाम्स में आया है सिक्कों पर आधारित, तो हमें बस यही देखना होता है कि उस बैग के अंदर क्या है और रेसो हमें किस चीज का दिया है। सवाल काफी आसान होते हैं। अब इस सवाल को अगर मैं समझूं तो मुझे बैग के अंदर दे रखे 1890 रुपये और जो रेसो दे रखा है वो भी मुझे रुपए का ही दे रखा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के धन का अनुपात 5:2:3 है। जब भी दोनों तरफ सेम क्वांटिटी हो ना, तो सवाल बड़ा आसान बन जाता है, क्योंकि कंपैरिजन करना काफी आसान होता है। भाई, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि जब दो सेम क्वांटिटी होंगी तो उन्हीं के बीच में कंपैरिजन होंगी, क्योंकि रेशो का मतलब ही कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन आप सिक्कों की धन के साथ नहीं कर सकते, सिक्कों के धन की आप धन के साथ कर सकते हैं। इस सवाल को पढ़ते और करते हैं, कितना मजेदार तरीका मैं आपको बताता हूँ सवाल करने का। एक बैग था, उसके अंदर 1890 रुपये थे, 1890 में 1 रुपये के सिक्के भी थे, 50 पैसे के सिक्के भी थे और 25 पैसे के। कह रहा है सवाल के अंदर कि इन सिक्कों के धन का अनुपात 5:2:3 है। 1 रुपये के 5 रुपये पड़े हैं, 50 पैसे के 2 रुपये पड़े हैं, 25 पैसे के 3 रुपये पड़े हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बैग के अंदर कुल कितने रुपये पड़े हैं, तो आप बोलेंगे 1890 रुपये हैं। बट अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रेसो की फॉर्म में कुल कितने रुपए पड़े, तो आप बोलेंगे 5:2:7:3 10 रुपए पड़े हैं। रेसो की फॉर्म में 10 रुपए हैं पर रियल में 1890 रुपए हैं, तो 10 का मान कितना है 1890, तो 1 का मान होगा आपका 189। मुझे बताने हैं 2 रुपए के कितने सिक्के बैग के अंदर पड़े हैं। अगर 1 का मान 189 है तो 2 का मान कितना होगा, 2 × 189 यानी के 378। प्यार दोस्तों, 2 रुपये, 2 का मान आ गया 378 रुपये, यानी कि 50 पैसे के बैग के अंदर कितने रुपए पड़े हैं, 378 पड़े। पर मुझे बताना है कि सिक्के कितने हैं। अगर 50 पैसे के 378 रुपये इस बैग के अंदर पड़े हैं, तो अगर मैं इन 378 रुपये में गुना 2 की कर दूं, तो सिक्के निकल जाएंगे कि बैग के अंदर सिक्के कितने हैं। तो आइए दोस्तों, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 5 × 2 = 6 और 1 = 7, यानी कि 756 रुपये। उस बैग के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 756। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। कंपैरिजन करना बड़ा आसान होता है अगर दोनों की दोनों सेम क्वांटिटी हो। यहाँ पर रुपए थे, यहाँ पर भी रुपए थे, मैंने कंपैरिजन करी, काफी आसान सवाल हो गया। पर अभी इससे हमने लास्ट वाला सवाल देखा था कि उसमें चेंजिंग थी, यहाँ पर तो मुझे रुपये दे रखे थे जबकि ये मुझे क्या दे रखा था, सिक्के। उसको मैंने फिर कन्वर्ट करना सीखा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, गुड नाइट।